हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज का नज़ारा जो है, ठंड ज़्यादा नहीं है, स्नो पड़ी नहीं है। मैं मेल बॉक्स चेक कर रहा था, कुछ आया कि नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो अभी मैं जा रहा था मेट्रो, वो गाड़ी वाली मेट्रो नहीं, मैं जा रहा था मेट्रो के अंदर। कल मैं कॉस्को गया था और मेट्रो इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वो बर्तन साफ करने वाला सामान लेना है। और साथ में हम बातें करेंगे कि कैसे हमारे यूथ $2,500-4,000 ऐसे वेस्ट कर देते हैं हवस के चक्कर में। और ये 18+ कंटेंट होने वाला है गाइस, तो जो कनाडा आ रहा है वो तो ऑल ऑब्वियसली 18+ हो गई। और आप लोगों को ये चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बहुत सारे लोग होते हैं मोस्टली वो इन चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं। और मेरी ये ड्यूटी है आप लोगों को बताना। तो मौसम अभी मैं बैक का नज़ारा दिखा देता हूँ। अच्छा। मम्मी की कॉल आ गई थी बीच में। मम्मी कहती क्या हालचाल, कहाँ घूम रहे हो बेटा। मैंने कहा मम्मी जी हम बस घूम ही रहे हैं। मैं लेने तो गया था वो बर्तन मांजने वाला, साथ में मैं पीयूष का केक भी ले आया क्योंकि पीयूष का बर्थडे था। मैंने केक बाय नहीं किया था। नो ब्रो आई डोंट हैव, सॉरी, मुझसे चेंज मांग रहे थे बट मेरे पास चेंज है नहीं, नहीं तो मैं दे देता। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या बताऊं मैं आपको कि लोग आजकल हवस के चक्कर में बहुत पैसे बर्बाद कर देते हैं। जैसे स्ट्रिप क्लब होता है यहाँ पे इंडिया में, तो स्ट्रिप क्लब शायद ही मैंने सुना है, यहाँ पे स्ट्रिप क्लब होता है। मेरा दोस्त बता रहा था कि स्ट्रिप क्लब में जो अगर जाओ तो वहाँ पे ना गर्ल्स होती हैं, वो न्यूड शो करती हैं अपना। जैसे क्लब होता है वहाँ पर डांस होता है, तो गर्ल्स जो हैं वो न्यूड हो जाती हैं और वहाँ पर अपना शो लगाती हैं। और लैप डांस होता है कोई, तो वो लैप डांस देती हैं। आई डोंट नो, बिकॉज मैं 18+ बात है इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ लगे। ये थोड़ा कंसर्निंग भी है, आपको फ़नी लगेगा कि प्रियांशु कैसी कैसी बातें कर रहा है। तो मैंने GTA वाई सिटी में देखा था कैसा होता है, और रियल में तो पता नहीं है। तो उधर जाते हो तो वहाँ पर $20 तो स्ट्रिप क्लब की एंट्री है सबसे पहले। जैसे ही आप एंट्री करते हो वहाँ पे आपको बियर, दारू, वोडका ये सब मिलेगा। और उसके बाद क्या होगा, जब बियर, दारू, वोडका मिलेगा तो आप पैसे खर्चोगे वहाँ पे ना। लड़कियाँ आपके पास साइड में बैठ जाएंगी, लेफ्ट राइट में। मैंने दोस्त से पूछा और बाकी रिसर्च की थी, लोगों की वीडियोस देखी थी, वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि क्या क्या होता है। तो ऐसे सिनारियो होता है कि वहाँ पर लड़कियाँ आसपास बैठ जाती हैं और आपको कहती हैं कि $20 पर सॉन्ग लैप डांस करेंगे वो। तो $20 में लैप डांस होता है, 5 मिनट का डांस होता है हर गाने पे, और हर 5 मिनट के बाद वो पैसे आपसे लेती रहती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं। एंड का नज़ारा अगर आपको दिखाएं, लेफ्ट साइड पे LCBO हुआ, यहाँ पे दारू दूरू मिलती है, और यह मैकडोनल्ड्स है और स्टेपल्स है, फिर डॉलरामा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं ये बता रहा था, लोग एडिक्टेड हो जाते हैं स्ट्रिप क्लब के अंदर और वो रोज़ जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कई बार ना जो लड़के होते हैं ना वो अकेलापन फील करते हैं। सिंगल लोग जो होते हैं, तो सिंगल लोगों की जो गर्लफ्रेंड्स नहीं बनती हैं तो वो पार्टनर की तलाश करते हैं, राइट। और वो फिर ऐसे चक्करों में फंस जाते हैं जब उन्हें पार्टनर नहीं मिलता। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इस चक्कर में बिल्कुल मत फंसना। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और आपको इन चीज़ों का पता लगा के रखना है। और आपको बहुत सारे सजेशन भी आएंगे कि यार एक बार चलते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, एक बार चलते हैं और बेटर रहेगा, एक बार ट्राई करना चाहिए। लेकिन हर एक जो चीज़ है वो एक बार से स्टार्ट होती है। जैसे चल एक बार भाई दारू पीते हैं, एक बार भाई सुट्टा लगाते हैं, एक बार भाई लड़की से मिलने जाते हैं, एक बार भाई क्लब जाते हैं, फिर वो आदत बन जाती है। तो अपनी बुरी आदतों को पहचानो और प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहो, अदरवाइज़ आपको मुश्किल हो जाएगी। मोस्टली लोग इन चीज़ों से दूर नहीं रहते और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, फिर वो अपने पैसे लूज़ कर देते हैं। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस पढ़े हैं। रेडिट पे ना इंटरनेशनल स्टूडेंट कन्फेशन होता है, उसमें ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना कन्फेशंस डाले थे कि मैं सेक्स एडिक्टेड हो गया हूँ, मैं क्लब में जाता था, और ये सारी स्टेटमेंट उन्होंने दी है।
जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि वो क्लब में जाते थे, वो सेक्स एडिक्टेड हो गए हैं और उन्होंने अपने पैसे बहुत लूज किए हैं, मम्मी को भेजने की बजाय वो बाहर वाली को पैसे दे दिया करते थे, तो इन चीज़ों से आप बचो। हमारा कनाडा में आना मोटिव ये है, ये नहीं है कि हवस मिटाओ, है ना। शादी तो हो जाएगी आप लोगों की, हर एक चीज़ की उम्र होती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखो क्योंकि ये चीज़ें आपको ग्रो नहीं करेंगी, ग्रोथ होने में हेल्प नहीं होगी इसकी। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि इन चीज़ों से दूर रहो। कोई भी स्ट्रिप क्लब ऐसी जगह आप जाते हो, एक बार जाओगे फिर दूसरी बार जाओगे फिर तीसरी बार जाओगे फिर चौथी बार जाओगे, नशा और एडिक्शन ऐसे ही होता है और आपको वो दूर पहले करना पड़ेगा। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और मैं नहीं चाहता आप ऐसी चीज़ों को इग्नोर करो, राइट। हमारा जो मोटिव है ज़िंदगी में कनाडा में आके सक्सेसफुल होना है, हमारा मोटिव ये नहीं है कि भाई सक्सेसफुल नहीं होना, हमें बस मजे करो इधर आके, ऐसे नहीं करना कभी, ठीक है। हमारे माँ बाप ने हमारे पे बहुत सारे पैसे लगाए हैं तो हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल के व्लॉग में, टॉपिक डिसाइड करेंगे, ख्याल रखना, बाय बाय।